अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कलेक्शन ऑफ आर्ट। आज मैं आप लोगों को रिंग डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए दो तरह की रिंग है, ये छोटी रिंग है और ये बड़ी रिंग है, और कुछ मोतियाँ हैं। आप चाहें तो दूसरी मोती भी ले सकती हैं। अरे नंबर का क्रोशिया है और ये कॉटन थ्रेड है, एक रंग का मल्टी शेड पर है, मिलते जुलते रंग। तो ये रिंग डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये मल्टी शेड से मैं अभी छोटी रिंग बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए इस तरह से स्लिप नॉट बनाना है और ये छोटी रिंग लेकर इस तरह से क्रोशिया अंदर डालना है। ये इस तरह से देखें, इस तरह से, और धागा खींचते हुए बाहर निकलना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया, तो ये सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले ऐसा करना है कि ये जो धागा है इस तरह से इसे पकड़कर इस तरह से रखना है ताकि ये धागा अंदर की तरफ चला जाए, नज़र ना आए। और इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये रिंग पूरी मुकम्मल करनी है। ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनता चला जाएगा चारों तरफ। और ये चारों तरफ मैं बनाते हुए मुकम्मल कर चुकी हूँ। और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर स्टिच पे ये स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे मुकम्मल करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच बना दिया और वन चेन बनाकर यहाँ से धागा कट कर देना है। ये टाइट कर दिया और बैक साइड से ये धागा निकाल देना है। और इसे बराबर से कट कर देना है। ये छोटी रिंग मुकम्मल हो गई है। बड़ी रिंग बनाने के लिए ये इस रंग के धागा को इस्तेमाल करना है, और मैं ये इसे डबल करूँगी। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया सिंगल धागे से भी बना सकती हैं। तो देखें, ये मैंने डबल कर लिया है इस तरह से, देखें। और यहाँ पर ये बड़ी रिंग बनाने के लिए भी इस तरह से स्लिप नॉट बनाना है। और स्लिप नॉट बनाने के बाद रिंग में अटैच करना है, इस तरह से डालते हुए ये सिंगल क्रोशिया बना देना है इसी तरह से। और ये धागा इस तरह से पकड़ते हुए धागा के ऊपर से सिंगल क्रोशिया बनाना है ताकि ये धागा अंदर छुप जाए। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चारों तरफ इस तरह से मुकम्मल करना है, जो कि मैंने मुकम्मल कर लिया है। और दो सिंगल क्रोशिया सिर्फ मुकम्मल करने के लिए बाकी है। तो इस वक्त मैं ये छोटी रिंग मैं लूँगी, और लेने के बाद इसके एक स्टिच में इस तरह से क्रोशिया डालना है, ये इस तरह से, और डालते हुए ये इस तरह से बराबर करके रखना है। और यहाँ पर से ये धागा निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से दूसरी स्टिच में भी क्रोशिया डालते हुए इस तरह से धागा निकाला और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसके आखिर शुरू वाली जो स्टिच थी यहाँ पर ये इस तरह से क्रोशिया डालते हुए इसे निकालना है और स्लिप स्टिच बनाते हुए इसे मुकम्मल करना है। ये इस तरह से स्लिप स्टिच बनाया और वन चेन लेकर इस तरह से धागा खींचा और यहाँ से कट कर देना है। इस तरह का कुछ डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है, जो कि 4 इंच का डिस्टेंस रखा है। आप चाहें तो
2 इंच का फासला भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं 4 इंच का फासला लेते हुए यहाँ पर अटैच करना है। तो ये रिंग ले ली है और ये डबल धागा है और यहाँ पर नॉट बना देना है। नॉट बनाने के बाद ये रिंग अटैच करने के लिए तो सबसे पहले ये यहाँ पर 4 इंच का फासला रखा हुआ था तो इस जगह पर मैं सुई बैक साइड से निकालूंगी इस तरह से, और ये 2 धागे के दरमियान से इस तरह से धागा सुई अंदर की तरफ से इस तरह से निकालते हुए नॉट बना लिया। और नॉट बनाने के बाद ये 2 मोतियाँ डाली मैंने इस तरह से बराबर से डालते हुए यहाँ पर रखना है। और जो ये रिंग है जहाँ पर आपका ये खुला हुआ हिस्सा है तो इस जगह पर आपने नहीं डालना, यहाँ पर सुई नहीं डालना, बल्कि जहाँ पर अटैच हुआ हुआ है इस जगह पर यहाँ पर सुई इस तरह से डालनी है। और डालने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर नॉट बना देना है। ये मैंने एक ही दफ़ा में ये काम मुकम्मल किया है, एक दफ़ा डाला और अंदर से नॉट बना दिया और बैक साइड से ये धागा इस तरह से निकाल दिया। और निकालने के बाद इसे कट कर देना है क्योंकि ये धागा बहुत ही मोटा है और मज़बूत है, इसलिए मैंने एक दफ़ा में ये काम किया है, लेकिन आपने 2-3 दफ़ा इसे मज़बूती से लगा कर नॉट बनाना है। ये देखें तो इस तरह का ये डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। ये आप चाहें तो आंचल में बना सकती हैं और चारों तरफ से भी बनाकर इसे मुकम्मल कर सकती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। इंशाल्लाह ऐसे ही डिज़ाइन आप लोगों के लिए मैं लेकर हाजिर होती हूँ। तो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।